महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। टास्क फोर्स की सिफारिश पर सीएम उद्धव करेंगे। इससे पहले रविवार को सीएम उद्धव ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ की बैठक, मीटिंग में लॉकडाउन पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 349 लोगों की मौत। देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 9,989 नए मामले आए सामने, एक दिन में 58 मरीजों की मौत हुई। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,377 नए केस आए सामने, जबकि 87 मरीजों की हुई मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में 63 मरीजों की कोरोना से मौत हुई, 7,201 नए मामले आए सामने। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,777 मामले दर्ज किए गए हैं, एक दिन में 48 मरीजों की मौत हुई है, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 9.43%। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर, केजरीवाल बोले अस्पतालों में बेड कम पड़ने पर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। गुरुग्राम में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बीते साल भर में सर्वाधिक यानी कि 1,084 नए संक्रमित मामले सामने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हुए कोरोना पॉजिटिव, पश्चिम बंगाल में किया था चुनाव प्रचार, खुद को किया आइसोलेट। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर लगाई रोक, देश में कोरोना के हालात से निपटने तक जारी रहेगा बैन। केंद्र सरकार ने कंपनियों से वेबसाइट पर स्टॉक की जानकारी देने को कहा, कई शहरों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी की शिकायत आ रही। टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, टीका उत्सव के पहले दिन करीब 27,00,000 वैक्सीन की डोज दिए गए। टीका उत्सव पर पीएम की अपील के बाद वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण में रफ्तार आई। राजधानी दिल्ली में शुरू हुए टीका उत्सव पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रख रहे हैं नजर, कई दफ्तरों में लगाई गई कोरोना वैक्सीन। टीका उत्सव पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस नेता राशिद अलवी का विवादित बयान, कहा लोग मर रहे हैं और पीएम टीका उत्सव मना रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान, कहा लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की आशंका के बीच मजदूरों का पलायन शुरू, सेंधवा बाईपास पर जुटी महाराष्ट्र से यूपी जा रहे मजदूरों की भीड़। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,521 नए केस, 82 मरीजों की हुई मौत। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त, आज कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक करेंगे। राजधानी लखनऊ में गवर्नर ने राजभवन में बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, कोरोना के ताजा हालात और उससे निपटने को लेकर हुई चर्चा। कोरोना के चलते यूपी में 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस समेत सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही जा सके। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 15,353 नए केस आए सामने, अकेले लखनऊ में कोरोना के 4,444 नए मरीज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को रोकने में जुटा प्रशासन, बस स्टैंड को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। वाराणसी में शाम 4 बजे के बाद श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे गंगा घाट पर, कोरोना के मद्देनजर सख्त किए गए नियम। पूरे गुजरात में सभी सरकारी और निजी ऑफलाइन क्लासेस पर रोक, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक रोक लगाई गई। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जयराम सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब दिल्ली महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। एमपी में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 5,939 नए मामले, इंदौर में मिले सबसे ज्यादा 919 नए मामले। एमपी के खंडवा में कोरोना मरीज के परिजनों ने मेडिकल टीम पर बोला हमला, मरीज को घर ले जाने गई थी मेडिकल टीम, बाद में पहुंची पुलिस ने आरोपियों की जमकर पिटाई। दमोह के हिनौता में लोगों ने पेश की मिसाल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण खुद लगाया 2 दिन का वीकली लॉकडाउन। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में 5,105 नए पॉजिटिव केस आए सामने। राजस्थान पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप, करीब 4,00,000 कोविशील्ड वैक्सीन डोज पहुंची जयपुर। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 3,756 नए मामले आए सामने, पटना में सबसे ज्यादा 1,382 केस, 94% से ज्यादा रिकवरी रेट। झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी, 24 घंटे के अंदर 2,296 नए मामले आए सामने, अकेले रांची में 1,076 नए केसेस। कोरोना संक्रमितों के लिए वेस्टर्न रेलवे ने मुहैया कराए 386 आइसोलेशन कोच, इसमें से 128 कोच मुंबई में मौजूद। आज बंगाल में पीएम की ताबड़तोड़ 3 रैलियां होंगी, दोपहर 12 बजे बर्धमान में भरेंगे हुंकार, तो वहीं कल्याणी और उत्तर 24 परगना में जनसभा को करेंगे संबोधन। आज बंगाल में अमित शाह के कई कार्यक्रम, 2 रोड शो और 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधन। कूचबिहार हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार, पूछा कि 5वीं मौत पर चुप क्यों है दीदी ममता, इसलिए कि मरने वालों में 4 माइनॉरिटी और 1 हिंदू राजवंशी। कूचबिहार हिंसा पर शाह का ममता पर करारा वार, का हिंसा के लिए दीदी जिम्मेदार, 2 मई को 2 बजे दीदी का इस्तीफा दें।
14 अप्रैल को कूचबिहार जाएंगी ममता बनर्जी। सीता लकुची हिंसा को बताया नरसंहार, कहा हम बुलेट का बदला बैलेट से। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से वीडियो कॉल से की बात, बीजेपी पर बोला हमला। कूचबिहार हिंसा पर ममता बनर्जी का विवादित बयान, पीएम मोदी को बताया खूनी, कहा वीडियो देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं सका। ममता बनर्जी आज बंगाल के कई इलाकों में करेंगी ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं, टीएमसी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे। बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के गुंडों का आतंक, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़, टीएमसी पर हमले का आरोप। कूचबिहार हिंसा पर बोले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, कहा जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 72 घंटे में 12 आतंकियों को मार गिराया। शोपिया में अलबद्र के 3 और बिजबेहरा के में लश्कर के 2 आतंकी भी थे। बाहुबली मुख्तार अंसारी की बड़ी परेशानी, धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी के 21 साल पुराने मामले में आज कोर्ट में वर्चुअल पेशी, तय होंगे आरोप। पंजाब के मोहाली कोर्ट में भी रंगदारी मांगने में होगी वर्चुअल पेशी। मुख्तार की विधायकी खत्म करने की याचिका से बौखलाए डॉन के गुंडे, याचिकाकर्ता सुधीर सिंह की कार पर हमला, सुधीर ने लगाया मुख्तार पर हमला कराने का आरोप। वसूली मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 सहायकों से की 9 घंटे पूछताछ, सचिन वाजपे के भी 2 ड्राइवरों को बुलाया, वाजपे के आने जाने के लिए जानकारी। मनसुख हिरेन मर्डर केस में एपीआई रियाज काजी को 16 अप्रैल तक रिमांड, एनआईए ने कोर्ट में कहा रियाज काजी को थी अपराध और साजिश की पूरी जानकारी। शरद पवार की आज होगी गॉल ब्लैडर की सर्जरी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अनिल विज ने नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा खत, कहा किसानों से की जाए बातचीत, हमें इनके स्वास्थ्य की है चिंता। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने सबरीमाला मंदिर का किया दौरा, भगवान अयप्पा का के दर्शन विश्व के लिए विशेष। हरिद्वार महाकुंभ में पहला शाही स्नान आज, कोरोना गाइडलाइंस के तहत लगाई जाएगी डुबकी। आज नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र करेंगे शाही स्नान, कहा नेपाल की कुशलता के लिए स्नान करने आया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर तानी पिस्टल, जान से मारने की धमकी, बीडीसी का पर्चा वापसी को लेकर जमकर मार। यूपी में नोएडा के बहलोपुर स्लम एरिया में आग लगने से 2 मासूमों की गई जान, 200 चूड़ियां जलकर हुई खाक, आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल आतंक का उत्पाद, बीजापुर में वाटर फिल्टर प्लांट में लगे 5 वाहनों में आग लगाई। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम बघेल की डॉक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर को दी 309 करोड़ की सौगातें, जेडीए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जालौर के सायला थाने में एसीबी का छापा, 45,000 की राशि के साथ एसआई बाबूलाल गिरफ्तार, थानेदार थाना छोड़कर हुआ फरार। बारा के छपड़ा में चाकूबाजी के बाद हुआ बवाल, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव, पुलिस ने खदेड़ने के लिए किया लाठीचार्ज। जयपुर में बेखौफ हुए बदमाश, श्यामनगर इलाके में की फायरिंग, पेप्सिको के कैश कलेक्शन एजेंट से लूटे 7 लाख। चौमू में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, 5 बदमाशों ने हथियार के दम पर दुकानदार और मासूम बच्चे को बनाया था बंधक। भीलवाड़ा में पुलिस पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 4 गाड़ियों में सवार थे तस्कर, हमले में 2 पुलिसकर्मी हुए थे शहीद। शहीद एसआई अश्विनी कुमार पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई, एमएलसी दिलीप जायसवाल ने सीबीआई जांच की मांग की। मधुपुर उपचुनाव में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत, जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन तो बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रघुवर दास ने की जनसभा, एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा के अंबाला में आईकेजी फाउंडेशन की बड़ी पहल, डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा की पुण्यतिथि, कोरोना मरीजों के लिए शुरू की एक फ्री एम्बुलेंस सेवा। आईकेजी के फाउंडर मेंबर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने एम्बुलेंस की कमी पर जताई चिंता, कहा इलाज में देरी ना हो इसीलिए शुरू की गई है फ्री एम्बुलेंस सेवा। आज ही नेपाली अपने सारे काम, मंगलवार से कई दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। जल्द हो सकता है कई बैंकों का निजीकरण, 14 अप्रैल को होगी नीति आयोग, एसबीआई और वित्त मंत्रालय की बैठक। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास केवल 4 दिन का है मौका, आसानी से मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कर्ज। साफ पेपर के दाम आसमान पर, व्यापारियों ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार से दखल देने की मांग की। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक समेत सेंसेक्स की टॉप 10 में से 6 कंपनियों का मार्केट कैप घटा, टीसीएस और साथ ही इंफोसिस को सबसे ज्यादा फायदा। आईपीएल 2021 सीजन का तीसरा मैच हैदराबाद और केकेआर के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता ने 10 रन से मैच जीतकर शानदार शुरुआत की। इस मैच में हैदराबाद ने 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए, वहीं केकेआर ने 6 विकेट खोकर 187 रन बनाए।
वीरेंद्र सहवाग ने किया खुलासा, एक बार एमएस धोनी पर बहुत गुस्सा हुए थे राहुल द्रविड़। टोक्यो ओलंपिक में अलग होटल में रखे जा सकते हैं कोविड 19 लक्षण वाले खिलाड़ी, जापान की समाचार एजेंसी क्योदो ने दी सूचना। काहिरा में चल रही विश्व जूनियर एवं कैडेट चैंपियनशिप में कोरोना का कहर, भारत के दो तलवारबाज निकले कोविड 19 पॉजिटिव। फिल्म अभिनेता सोनू सूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब में कोविड वैक्सीनेशन अभियान का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। छात्रों के समर्थन में देखिए सोनू सूद, कहा कोरोना के बीच रद्द होनी चाहिए परीक्षा। अंकिता लोखंडे के रिलेशनशिप को हुए पूरे 3 साल, खास मौके पर शेयर किया खूबसूरत वीडियो। BAFTA में धमाके के लिए तैयार प्रियंका चोपड़ा, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की पेट डायना के साथ फोटो, तस्वीरें हुई वायरल। तीसरी बार मां बनने वाली हैं लीसा हिडन, तस्वीरें शेयर कर मदर्स के लिए लिखा है इमोशनल। शमा सिकंदर ने स्विमिंग शूट में बोल्डनेस का लगाया तड़का, शमा का फोटो वायरल। फिल्मफेयर में सनी लियोनी ने बिखेरा हुस्न का जलवा, शेयर की फोटो। काला से इरफान खान के बेटे बाबिल खान करेंगे डेब्यू, अनुष्का शर्मा करेंगी प्रोड्यूस। उत्तर पश्चिम में स्पेन के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, पिंट के वेयरहाउस में आग लगने से हर ओर अफरा। संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में पूरी तरीके से लॉकडाउन, 3 दिन के लिए सभी जरूरी सेवाओं पर रोक। पिता को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुए प्रिंस चार्ल्स, कहा मेरे पिता ने ऐसी समर्पित सेवा दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। अमेरिका के हवाई में बंदूकधारी ने की फायरिंग, होनोलुलु के होटल में बंदूकधारी ने लोगों पर गोलियां बरसाते हुए खुद को कमरे में किया बंद, कोई हताहत। रेस में अव्वल आने के लिए शख्स ने लगाई ऊंची छलांग, सीधे कुर्सियों के नीचे घुसा शख्स, वीडियो देख छुटी लोगों की। उल्टा चश्मा पहनकर दो लोगों ने बनाया कमाल का फनी वीडियो, वीडियो देख हंस हंस कर लोटपोट हुए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दो बच्चों के बीच हुई जबरदस्त कुश्ती, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर किए वार, कुश्ती देख लोगों को आई WWE की याद। प्लास्टिक के ढक्कन पर बैठकर दो लोगों ने लिया झूला झूलने का मजा, बेहद मजेदार तरीके से झूला झूलते नजर आए शख्स, वीडियो हुआ वायरल। डिग्री मिलने के बाद शख्स ने अनोखे तरीके से जाहिर की अपनी खुशी, लोगों से भरे हॉल में डांस करने लगा शख्स, शख्स को देख लोगों ने भी थिरकाए अपनी कदम। लोगों की सर्फिंग के दौरान बदला समंदर का मिजाज, कुछ ही देर में आई बड़ी लहर, लहर के साथ समंदर किनारे आ गए सभी। सड़क पर शख्स ने अनोखे तरीके से किया डांस, अपनी मतवाली चाल से लोगों को हंसाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दो बिल्लियों के बीच जमकर हुई कुश्ती, वीडियो देख लोगों को आई अपने बचपन की याद।